चांद पर उतरने और सूरज के नजदीक पहुंचने के मिशन के बाद अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र ग्रह पर पहली बार शुक्रयान 1 मिशन लॉन्च करने वाली है। अब इस मिशन में शुक्र ग्रह पर क्या पता लगाने की कोशिश की जा रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, जहाँ धरती के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। शुक्र ग्रह पर हमेशा एसिडिक बादल होते हैं और इन बादलों की स्टडी करने के लिए ही शुक्रयान मिशन भेजा जा रहा है। साथ ही इस मिशन के दौरान हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से शुक्र ग्रह की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों की स्टडी भी की जाएगी। शुक्रयान 1 ऑर्बिटर मिशन होगा जो 4 साल तक शुक्र ग्रह की स्टडी करेगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर इस मिशन को समय रहते अनुमति नहीं मिली तो इस मिशन को 2024 के बजाय सीधे साल 2031 में लॉन्च किया जा सकेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को लॉन्च करने के लिए फेवरेबल लॉन्च विंडो अगले 7 साल बाद ही बन पाएगी। रैपर ब्रोडा वी का एक संस्कृत रैप वाला गाना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। लेकिन इस गाने में जो श्लोक उन्होंने उपयोग किया है उसका मतलब क्या है और उसका इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल इस गाने में जिस श्लोक का उपयोग किया गया है वो 1400 साल पुराने सौंदर्य लहरी नाम के एक स्त्रोत का श्लोक है। इस स्त्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इसमें ये बताया गया है कि शक्ति के बिना शिव संसार की रचना नहीं कर सकते थे। शंकराचार्य ने इस स्त्रोत की रचना इतनी बखूबी की है कि आज भी बड़े बड़े साहित्यकार इसकी रचना से प्रभावित होते हैं। आदि शंकराचार्य ने असत्य और पाखंड को खत्म करने के लिए ऐसी कई रचनाएं की हैं। साथ ही शंकराचार्य ने भारत में हिंदू धर्म को प्रसारित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। उनके इसी योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। हम भी शंकराचार्य के इस योगदान के लिए उन्हें नमन करते हैं। उसका जन्म मुंबई के एक चोलमेक स्टंटमैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। धर्मेश सर, जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज YouTube पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं।